इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह सभ्यता करीब 1600 साल तक फली फूली और अचानक से ख़त्म हो गई। यह आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडियन साइड पर डेवलप हुई। सब सभ्यता नदी के किनारे ही डेवलप होती और यह भी सभ्यता इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई और इस वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। इस सभ्यता से कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आज भी रहस्य का कारण बनी हुई हैं और जिसे जानना काफ़ी दिलचस्प है। तो आइए मैं और आप, हम दोनों मिलकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी 10 मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में पता लगाते हैं। पहला फैक्ट, हड़प्पन सभ्यता के लोग आखिर कहाँ से आए थे और यह सभ्यता नष्ट कैसे हो गई। यह आज भी इतिहासकारों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है और आज भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। क्या आपको मालूम है कि आज से 100 साल पहले तक हम इस सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और वहीं मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में हमारे बीच में काफ़ी पहले से नॉलेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ और ग्रेनरी को छोड़ के कोई भी ऐसे बिग मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए गए। हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन यह समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गया और परतों के नीचे दब गया और यही वजह है कि आज मिस्र के पिरामिड दिखने को मिलते हैं बट ग्रेट बाथ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये एक रीज़न था कि आज 100 साल पहले तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हड़प्पन वो पहले लोग थे जिन्होंने लिखने और पढ़ने की शुरुआत की थी, लेकिन उनके लिखे हुए को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। सुन के काफ़ी आश्चर्य हो रहा है ना? सही बात है, क्योंकि आज भी उनकी लिपि हमारे बीच में एक रहस्य बनी हुई है और वो कौन सी भाषा यूज़ करते थे हमें ये भी नहीं पता है। बस हम उनकी लिपि देख के इतना पता लगा सकते हैं कि वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी कि पिक्चर्स यूज़ करके वो कुछ लिखते थे जो कि आज तक हमें पता नहीं चला है कि वो क्या लिखते थे, और इस वजह से हमें उस सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, मोहनजोदाड़ो। क्या आपको मालूम है कि मोहनजोदाड़ो अदर हड़प्पन साइट्स से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अदर हड़प्पन साइट्स मैदानी इलाकों में फैले हुए हैं और वहीं मोहनजोदाड़ो को टीलों के ऊपर विकसित कराया गया है। टीलों के ऊपर डेवलप कराई गई आर्किटेक्चर का ये बेहतरीन नमूना है जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। यह इस वजह से बनाया गया होगा ताकि बाढ़ जैसे नेचुरल कैलेमिटीज से शहर को बचाया जा सके। मोहनजोदाड़ो एक सिंधी लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ होता है माउंड ऑफ डेथ, मतलब मृतकों का टीला। अब आप खुद सोचिए कि जब हम कहीं रहते हैं तो हम क्या उसे मृतकों का टीला बोलेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो यह नाम इसे हमारे द्वारा दिया गया है, मतलब जिस शहर को आज हम मोहनजोदाड़ो कहते हैं वो उस समय किसी और नाम से जाना जाता होगा और यह आज भी रहस्य है। मोहनजोदाड़ो आरडी बनर्जी के द्वारा 1922 में डिस्कवर किया गया था और इसका नाम मोहनजोदाड़ो इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में शव प्राप्त हुए हैं और आसपास के लोग इसे मृतकों का टीला ही बोलते थे। फैक्ट नंबर 4, कुछ लोग हिंदू धर्म को हड़प्पन सिविलाइजेशन से जोड़कर देखते हैं क्योंकि हड़प्पन सभ्यता से हमें प्रोटो शिवा यानी कि पशुपति नाथ की मूर्ति तथा मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, जिससे कि यह साफ हो जाता है कि उस समय भी आइडियल वॉर्शिप की प्रथा रही होगी और साथ ही साथ वो नेचर की भी वॉर्शिप करते थे। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी हमारे बीच में रहस्य है। फैक्ट नंबर 5, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है, चाहे वो मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ हो या फिर हड़प्पा की ग्रेनरी सिस्टम। प्राइवेट वेल्स हमें कई घरों में मिले हैं और साथ ही साथ सैनिटरी का खास ध्यान रखा गया है। ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बेहतरीन है और सारी नालियाँ ढकी हुई हैं और ये शहर के बाहर नालियाँ निकलती हैं। रोड भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और हर घर की जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो रोड के अपोजिट साइड्स खुलती हैं। कई मकान में हमें 2 मंजिला इमारत भी देखने को मिली है और साथ ही साथ वहाँ पे नेचुरल हवा आने जाने का भी बंदोबस्त काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया है। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्मिटी इन मेजरिंग वेट्स, तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे वेट मेजरमेंट के
एविडेंसेस भी मिले हैं। स्केल का आविष्कार भी हड़प्पा से ही माना जाता है मेजरमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 6, इतनी बड़ी सभ्यता होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी राजा का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। यह एक व्यापारिक समुदाय था जो कि ट्रेड के बेसिस पे ही डेवलप हुई थी। यह जानना काफ़ी दिलचस्प है कि विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन आखिर कैसे फ्लरिश कर रही थी। यहाँ इस सभ्यता से हमें कहीं भी युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं और साथ ही साथ ना ही हमें कहीं से भी हथियारों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो यह काफ़ी दिलचस्प है कि इतनी बड़ी सभ्यता बिना हथियार और बिना सेंट्रल अथॉरिटी के भी फ्लरिश कर रही थी और काफ़ी शांतिमय रूप से यह फ्लरिश कर रही थी। यह ट्रेड बेसिस पे फ्लरिश कर रही थी और इसका ट्रेड काफ़ी दूर दराज के इलाकों से होता था। फैक्ट नंबर 7, अब तक की जानकारी के हिसाब से हमें ऐसा लगता था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आज से 5500 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था नेचर मैगजीन में 25 मई 2016 को, जिसके हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ 5500 साल पुराना नहीं जबकि यह सिविलाइजेशन आज से 8000 साल पुराना है और यह मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अगर इन तीनों की बात करें, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और हड़प्पा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इन सब में सबसे बड़ा है। फैक्ट नंबर 8, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें ब्लैक मैजिक के एविडेंसेस भी मिलते हैं। वहाँ मिली ताबीज़ और सील्स में नक्काशित चित्रों से हमें पता चलता है कि वो लोग पशु बलि में बिलीव रखते थे और साथ ही साथ वो ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ग्रेवयार्ड्स में हमें शवों के साथ साथ अदर यूज़ की चीज़ें मिली हैं जो कि डेली यूज़ में काम आती हैं, तो इससे ये साबित होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव रखते थे। नाउ फैक्ट नंबर 9, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें नेकलेस, लिपस्टिक, कॉम्ब, ज्वेलरी और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसका इस्तेमाल हम साज सज्जा के लिए आज के दौर में करते हैं। चाहे बात करें हम तांबे के दर्पण की या फिर साज सज्जा के बॉक्स की, यानी कि वैनिटी बॉक्स की एविडेंसेस भी मिले हैं। अगर हम चूड़ियों की बात करें तो काली बंगन समय भारी मात्रा में बैंगल्स प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे कॉम्ब का भी इस्तेमाल मिला है। अब हम बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 की। हड़प्पन साइट बनावली, जो कि हरियाणा का एक साइट है, वहाँ से हमें बुल्लक काट यानी कि बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे यह साबित होता है कि सबसे पहले अगर व्हील का कहीं यूज़ करा गया है तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही यूज़ मिला है इसका। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड का, उनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश था और वो अदर कंट्रीज से भी ट्रेड करते थे और उसमें वो अपनी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें पोर्ट यानी कि लोथल एक साइट है गुजरात में, वहाँ से हमें पोर्ट सिस्टम का भी पता चला है और सील्स पे वहाँ के नाव का भी चित्र हमें देखने को मिला है, जिससे यह साबित होता है कि उस समय के लोग अदर कंट्रीज से पोर्ट सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते थे और उस समय बार्टर सिस्टम यानी कि एक सामान देना और दूसरा सामान लेना, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज का वे था। तो गाइज, ये थी कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और थोड़ा भी दिलचस्पी हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने में, तो गाइज़ प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।